सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज लेकर आए हैं अपनी वाली स्टैंडर्ड, जो हमारे पास BS4 वर्जन है, जो अभी हम लोगों ने परचेज़ किया। और ये समझो पहला वीडियो होगा आफ्टर द डिलीवरी वीडियो। और पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा इस वाली स्टैंडर्ड का, जो BS6 न्यू आई है शोरूम पे। तो आज एक थोड़ा सा छोटा सा कंपैरिजन करेंगे कि BS6 2022 वाले में और 2018 है मेरा, उस वाले में क्या अंतर है। तो सबसे पहले तो देख लो भाई मॉडल का अंतर है। और ये वाली जो है BS4, ये कंप्लीट है, BS4 इंजन है, कार्बोरेटर वगैरह है। और इसका जो RPM है वो आप लोग लोवेस्ट, कितना भी लोवेस्ट जा सकते हो इस वाले में, BS4 वाले में। लेकिन BS6 वाले में आप लोग RPM सेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो लो करना, मतलब RPM को थोड़ा सा लो करना, इसमें बेटर साउंड करता है, लेकिन उसमें नहीं हो पाता है। बहुत ट्राई कर रहे हैं हम लोगों ने, क्योंकि उसमें देखो कंप्लीट EFI मोटर वगैरह है, और इसका RPM थोड़ा सा ज़्यादा रहता है BS6 वाले का। और इसमें समझ जाओ RPM आप कितना भी सेट कर सकते हो। और एक और ख़ास बात, अभी जितनी भी BS6 रॉयल इनफील्ड रिबॉन आ रही है भाई, सब में तो किक हटा दिया, तो बस एक यही मॉडल बचा है, बुलेट 350 स्टैंडर्ड 350, जो आप समझो रॉयल इनफील्ड का शान बचाया हुआ है कि आपको किक वगैरह दे रहा है। और जिनविन सी बात है, ये वाला मॉडल जितना पसंद आता है ना भाई, उतना अब रिबॉन किसी को नहीं पसंद आता, क्योंकि अब ये वाली मॉडल चाहते हैं। क्योंकि ये वाला मॉडल जब हम लोग के पास अवेलेबल था तब तो मिल नहीं रहा था, मतलब मिल रहा था तो हम लोग उतना परचेज कर नहीं रहे थे, ध्यान दे नहीं रहे थे। लेकिन अभी भाई इस वाला का जो डिमांड बढ़ा है ना, जैसा मैंने देखा, बाकी मेरे प्रीवियसली वीडियो बनाने के प्रीवियसली कैसा हुआ है क्या हुआ है वो आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में। और हम लोगों ने भी, मतलब मैंने परचेज कर लिया था BS4 स्टैंडर्ड इसका क्रेज़ देख कर। चलो तो स्टार्टिंग करते हैं फ्रंट से। तो फ्रंट हेडलैम्प वगैरह मेरा तो मॉडिफाइड है, उसका एक अलग से वीडियो आ जाएगा। और इसमें वाले में हेलोजन हेडलैम्प सेटअप है, जो आपका देखो येलो कलर का, और जो DRL टाइप, मतलब डे टाइम रनिंग टाइप वर्क करता है, लेकिन मेरा में थोड़ा सा वाइट कलर का। पायलट लैम्प्स वगैरह भी मेरे वाइट है। इंडिकेटर्स देखोगे तो इंडिकेटर्स में वाइट कवर आता है, किन्हीं में ऑरेंज कवर आता है, लेकिन हमने वाइट ही लगवाया क्योंकि वाइट मेरे को थोड़ा सा प्यारा लगता था भाई देखने में। लेकिन अंदर का जो बल्ब है वो समझ जाओ आपका ऑरेंज ही है। जैसा पहले आप लोग BS6 वाली को स्टार्ट करके आपको इंडिकेटर दिखाते हैं, जैसा देखो, और अपनी वाली का इंडिकेटर दिखाते हैं हम। तो देखो भाई, और मैं न्यू बाइक के बगल में अपनी सेकेंड हैंड बाइक, मतलब कि अपनी प्री ओन्ड बाइक खड़ा किया हूँ, तो मेरे को दिख रहा है कि इसमें थोड़ा सा वर्क कराना होगा, पेंट वगैरह का, निकल वगैरह का, क्योंकि भाई क्या चमक रहा है। नया बाइक तो भाई नया बाइक रहता है। खैर एनीवेज, जो भी लिया हम लोगों ने सोच समझ के ही लिया। फ्रंट सेक्शन की बात करें तो इसमें आप सिंगल चैनल EBS एंड फ्रंट में डिस्क वगैरह देख सकते हो, लेकिन जो हमारी वाली है उसमें फ्रंट में आपको ड्रम ब्रेकिंग्स दिया गया। तो एक वीडियो में सोच रहा हूँ या फिर एक मॉडिफिकेशन सोच रहा हूँ कि इसमें डिस्क वगैरह लगाने का, तो थोड़ा बहुत झमेला है डिस्क वगैरह लगाने में। और बाकी ये देखोगे तो डिस्क लगाने में आपका ये वाला जो फोक है ना, ये जो डाउन फोक है नीचे वाला, वो शायद मेरे को चेंज कराना होगा, क्योंकि उसका फोक देखो BS6 वाले का जिसमें डिस्क लगा कैसा है, और बाकी BS4 वाले का देखो किस टाइप से है। तो हो सकता है कराना पड़ेगा, लेकिन ये डिस्क के साथ है, आपका बिना डिस्क। उसके बाद अगर हम लोग साइड बॉडी का, तो आप लोगों ने देखा कैट कैन और O2 सेंसर इसमें मिल रहा है, और ये वाली कंप्लीट ऐसी ही आती थी, सिंगल जो स्टॉक बैंड है वही लगा हुआ है, सिर्फ एग्जॉस्ट चेंज किया, वो भी आप लोगों को सुना देंगे। और हाँ, लॉन्ग पंजाब एग्जॉस्ट लगा हुआ है, जब मैंने इसे परचेज किया था मेरे को लगा शॉर्ट है, शॉर्ट बोलकर वीडियो बन गया था, लेकिन लॉन्ग लगा हुआ है। और यहाँ पे देखोगे तो आपको कार्बोरेटर सिस्टम कंप्लीट मिल रहा है इसके इंजन के साथ, लेकिन जो BS6 वाला है यहाँ पे आप देखो EFI मोटर आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आप EFI मोटर देख सकते हो। और जो BS4 हमारा, ये पार्ट जो आप देख रहे हो, इससे RPM लो एंड हाई आप लोग कर सकते हो, ये वाली नट कस के या ढीला करके। लेकिन BS6 में एज सच देखो कुछ आपको नहीं दिखेगा, थोड़े बहुत दिमाग लगा के देखो। जो RPM वाला किस्सा है ना BS6 का, वो मुझे भी नहीं पता है सही से। तो अगर किन्हीं के बाइक में होता है तो हम लोग दिखाते हैं आप लोगों को, वो मेरे को भी जानना पड़ेगा थोड़ा सा। बाकी टैंक दोनों में सिमिलर है, BS6 का जो टैंक है एंड BS4 का टैंक है, ये थोड़ा सा गंदा लग रहा होगा क्योंकि इसमें थोड़े से रंग के छींटे पड़े हुए हैं भाई। और मीटर में सबसे बड़ा मेन देखो, मीटर में हमारे पास यहाँ पे AMP मीटर वगैरह मिलता है, और ये कंप्लीट ब्लैक थीम में ही है दोनों। जो हमारा BS6 वाला है वो भी देखो ब्लैक थीम में आपको दिखेगा कंप्लीट। ये पोर्शन तो दोनों का सेम है, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो आपको लो फ्यूल इंडिकेटर एंड ABS का लाइट एंड आपको इंजन का लाइट दिया हुआ है, जबकि आपको ये सब चीज़ आपको नहीं मिलता है अपने BS4 वाले में, अपने वाले में नहीं मिलता।
आपको जस्ट देखो एएमपी मीटर मिलता है यहाँ पे, तो समझ सकते हो कि अगर इसमें लो फ्यूल होगा ना तो भाई समझो गाड़ी हिला कर ही देखना पड़ेगा, उसमें लो फ्यूल होगा तो वो वाली लाइट जल जाएगी और इंजन वगैरह में कुछ इशू आएगा तो ये इंजन लाइट जल जाएगा और एबीएस का लाइट भी जल जाएगा। बाकी हैंडल दोनों का स्टॉक है, हैंडल में मेरा कुछ चेंज नहीं है और एक स्विच लगा हुआ है बस। और भाई देखो एक हॉर्न पार्ट लेना भूल गया मैं, तो हॉर्न पहले इसका सुन लो आप लोग, छोटी वाला हॉर्न है स्कूटी वाला हॉर्न। अब बाकी भाई मेरा वाला हॉर्न सुनो अभी आप लोग, ये ट्रक का वाला हॉर्न, ये पता नहीं पहले से लगा हुआ था। सीट की बात करें तो सीट भी दोनों का ही सिमिलर है, लेकिन मेरे में ये जो ग्रैब हैंडल है ना ये खुला हुआ है। ग्रैब हैंडल देखो मैंने हटा दिया था कि थोड़ा सा लुक आ जाए तगड़ा वाला। और समझो मेरी बाइक का ये पहला वीडियो है जो कंपैरिजन मैं कर रहा हूँ आफ्टर द डिलीवरी। उसके बाद साइड बॉडी देखोगे तो कंप्लीट लेग गार्ड वगैरह वो आपको दोनों में सेम दिखेगा। फ्रंट टायर एक बार आप लोगों को दिखा देते हैं, फ्रंट टायर का डायमेंशन जो हमें BS6 में प्रोवाइड हो रहा है वो है अराउंड 3.25 का और 19 इंच का स्पोक व्हील है। और जो हमारे में प्रोवाइड है, हमारे में जो लगा हुआ है वो है 3.25 19 इंच, मतलब टायर दोनों का सेम है टायर डायमेंशन। रियर पे आते हैं तो रियर टायर जो है ये भी आपको 3.25 एंड 19 इंच का है, और BS6 वाले में देखो 650 तो, और BS6 वाले में कहाँ गया 3.25 और 19 इंचेस का आपका समझो स्पोक व्हील डाला हुआ है। और बाकी बॉक्स वगैरह भी दोनों का सेम है, ये बॉक्स देख लो, ये बॉक्स देख लो, इसमें थोड़ा सा चोट लगा हुआ है भाई, थोड़ा बहुत स्क्रैच है। बाकी चलो एक बार बाइक को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले BS6 वाली को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने में हमारा हेल्प करिए आदित्य भैया, बस बस बस। ये आपको नहीं ये पता है बहुत सारा स्टॉक चलता है गिरिडीह में तो लगता है कि ये हो रहा है बैटरी वाला बाइक जा रहा है, क्योंकि अभी ये वाला स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। बाकी इसका एग्जॉस्ट नोट सुनो, इसको मैं बैटरी वाला इसलिए बोलता हूँ क्योंकि भाई स्टॉक में बिल्कुल आवाज़ नहीं आता है। और ऐसा क्यों बोलता हूँ वो आगे चल के अगले वीडियो में आपको पता चलेगा। तो आवाज़ अगर कैट कैन लगा रहता है और एग्जॉस्ट आप लोग चेंज करते हो ना तब भी आवाज़ आ ही जाता है, अच्छा खासा आवाज़ आता है, लेकिन कंप्लीट ये बेंड वगैरह हटाते हो तो O2 सेंसर को बाईपास करना पड़ता है जिसके कारण इंजन लाइट जल जाता है। तो वो कोई इशू नहीं क्रिएट करता क्योंकि हमारे पास भी BS6 स्टैंडर्ड है भाई, तो उससे मैं समझो प्रैक्टिकल एक आप लोग को बता रहा हूँ। अभी इसको स्टार्ट करते हैं, कोई स्टार्ट करेगा भाई इसको स्टार्ट कर दीजिएगा क्योंकि कैमरा पकड़ के हमसे स्टार्ट नहीं होगा, मार दीजिएगा किक। इसका आवाज़ सुनो आप लोग भाई, देखो ये आपका लो RPM और इतना लो RPM आपको BS6 में नहीं मिलेगा, कुछ भी कर लो आप लोग, इससे और लो जा सकता है लेकिन मैंने इतने में ही रखा है क्योंकि थोड़ा सा यूज टू होना होगा, उसके बाद और लो करेंगे। बाकी एग्जॉस्ट नोट सुनो, BS4 में जो पटाखा वगैरह भी फूटता है वो भी आप लोग आराम से फोड़ सकते हो, लेकिन BS6 में ऐसा पटाखा वगैरह फूटेगा नहीं क्योंकि ये कार्बोरेटर सिस्टम है। इसके समझ जाओ पिस्टन वगैरह में जब स्पार्क वगैरह होता है, जैसा इसका मैकेनिज्म है, अगर थोड़ा सा भी मैं गलत बोलूंगा भाई कमेंट सेक्शन में बताना, तो उसमें फ्यूल चला जाता है, लेकिन इसका जब स्विच हम लोग ऑफ करते हैं ना तो कंप्लीट EFI मोटर ही बंद हो जाता है जिसके कारण फ्यूल वगैरह कहीं नहीं जा पाता, पिस्टन वगैरह सब कुछ बंद हो जाता है। तो इसका एग्जॉस्ट नोट में आप लोग पटाखा वगैरह नहीं फोड़ सकते। अगर ये थ्योरी जो मैंने आपको बताया, मैं इसमें मेरे को लग रहा डाउट कि मैंने कुछ गलत बताया, तो कमेंट सेक्शन में भाई सही कर देना प्लीज़। बाकी आप लोगों ने एग्जॉस्ट नोट सुना, और हमारे पास BS6 में स्टैंडर्ड में बहुत सारे एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, तो धीरे धीरे वीडियो बनाएंगे जब सब कोई फ्री होंगे, क्योंकि अभी फ्री तो मैं भी नहीं हूँ, मेरा भी एग्जाम चल रहा है। चलो एनीवेज आप लोग बताओ, बाकी टेल सेक्शन एक बार आप लोग दिखाते हैं। तो टेल सेक्शन भी देखो ये मैंने ब्लैक कराया बेसिकली, और बाकी जो BS6 वाला वो ब्लैक होकर ही आया हुआ है। तो होपफुली आपको दोनों का कंपैरिजन वीडियो समझ में आया होगा कैसा क्या है, और BS4 को क्यों हम लोग सोना कहते हैं, BS6 को क्यों हम लोग बैटरी वाली कहते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो वीडियो हम लोग करते हैं एंड, होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल एक बार विजिट करना, और ऐसा कंटेंट हम लोग लाते रहते हैं स्टैंडर्ड का, बुलेट का, रिवॉन का। चलो वीडियो एंड करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।